गियर शिफ्ट करती है, ये गियर शिफ्ट स्टॉपर गियर शाफ्ट कर रही है और स्टॉपर इसको टेक देगी गियर कि तारा पट्टी राइट लेफ्ट मूव ना हो, ये अनबैलेंस ना हो। जब ये अनबैलेंस होगी तो गियर खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है इसके गियर शाफ्ट फिट करने का, मींस कि गियर असेंबली कैसे फिट की जाती है और किक का टाइमिंग कैसे किया जाता है। तो बाकी ये इंजन मुकम्मल असेंबल्ड की वीडियोज़ तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर मुकम्मल देखना चाहते हैं। तो मेरा जो मकसद है, मेरा काम है, मैं इसको जानता हूँ कि इसको कैसे कैसे पार्ट में कन्वर्ट करके आप सब दोस्तों को बताऊं कि ताकि आप मुकम्मल इंजन असेंबल कर सकते हैं। लेकिन गियर की असेंबलिंग क्या पता आपको शायद इल्म में ना हो, तो यही इल्म मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि गियर शाफ्ट की फिटिंग कैसे होती है और दूसरी बात ये कि गियर ड्रम को कैसे फिट किया जाता है, ऊपर तारा पट्टी कैसे फिट की जाती है और इसकी स्टॉपर पट्टी कैसे फिट किया जाती है, और दूसरे नंबर पर इसकी जो किक की टाइमिंग है वो कैसे की जाती है, उसका तरीकाकार क्या है। तो यही डिटेल आप सब दोस्तों के साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले हमने इसके गियर ड्रम के ऊपर इसकी पिन्स वगैरह लगानी है, पिन्स लगाते हुए इसकी हम गियर शाफ्ट की भी फिटिंग करेंगे। जी तो दोस्तों ये 6 अदद पिने होती हैं, 4 बड़ी पिने होती हैं, 2 छोटी पिने होती हैं होंडा CD70 के इंजन के अंदर। और इस टाइम मैंने सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी पिने फिट कर देनी है, बड़े वाली ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 बड़े होल होते हैं और 2 छोटे होल होते हैं, 3 और 4, ये 4 पिने फिट हो गई हैं बड़ी और 2 पिने हमने छोटी फिट करनी है। एक छोटी पिन ये होगी और छोटी पिन ये होगी, और ये अभी 4 बड़ी पिने और 2 छोटी पिने, 6 पिने हमने फिट कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर बिठाएंगे गियर शाफ्ट। तो इस टाइम गियर शाफ्ट जो इसकी मैंने निकाली है 70 मोटर बाइक की, इंजन जब डिसअसेंबल किया तो आप देख सकते हैं इससे तो एक अनबैलेंस है, बैलेंस बराबर नहीं है, और दूसरे नंबर पर इसकी टाइमिंग जो है बिल्कुल बैलेंस जो है ये अनबैलेंस है। इसके ऊपर गियर स्टॉपर जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, गियर लगाने में और निकालने में ये इसका किरदार होता है गियर शाफ्ट का, और गियर स्टॉपर पट्टी उसको सपोर्ट देती है कि गियर ड्रम जब हम पहला गियर लगा देते हैं तो दूसरा खुद ब खुद शिफ्ट नहीं होगा जब तक करेंगे नहीं, जब शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम गियर स्टॉपर पट्टी का किरदार होता है, उस टाइम बयान करता हूं। अभी हम इसके अंदर गियर शाफ्ट न्यू इंस्टॉल करने लगे हैं, तो मैं इस टाइम गियर शाफ्ट क्रॉन लिफान की यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस इसकी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। और गियर शाफ्ट को आप देखेंगे तो इस तरह महसूस होगा कि ये बिल्कुल ही जेन्युइन है ये गियर शाफ्ट। एक तो इसके अंदर प्ले बिल्कुल कम होती है, दूसरे नंबर पे इसका बैलेंस बिल्कुल फिट है। अब हम इसके अंदर गियर शाफ्ट इंस्टॉल कर देंगे, फिट कर देंगे। ये गियर शाफ्ट पहले नीचे बैठ गई, अब इसका जो ऊपर वाला सर्किट है वो हम इसका फिट कर देंगे। ये इसकी पट्टी होती है, और इस पट्टी का भी मैं एक फंक्शन बताता चलूं कि अगर हम इसको उल्टा रखें ना तो ये इसकी जो बोल्ट वाली जगह है, फेस है, वो इसका अनबैलेंस हो जाता है जब तक ये सीधी पट्टी नहीं होगी। अब हम इसको यहाँ पे सीधा रखते हैं तो ये बोल्ट वाली जगह बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। और अब हम इसकी तारा पट्टी रखेंगे, और जो 2 पिने हैं वो इनके लिए होती हैं, इस पट्टी नीचे वाली को और ऊपर वाली जो तारा पट्टी है इसको कंट्रोल करती है। अब हम इसका 10 mm का बोल्ट है वो इसका बोल्ट पहले साथ मिला लेंगे, मुकम्मल टाइट नहीं करेंगे ये, और उसके बाद अब हम इसके अंदर गियर स्टॉपर पट्टी फिट करेंगे। तो गियर स्टॉपर पट्टी का मैं बताते फंक्शन बताता चलूँ कि अगर डैमेज हो उसकी पहचान क्या है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले हो जाती है, अप डाउन और राइट लेफ्ट, तो ये इसकी नहीं होनी चाहिए, प्ले बहुत कम प्ले होनी चाहिए कि सिर्फ ये रूलर फिरना चाहिए जिस तरह ये फिर रही है। और इसका स्प्रिंग उठाएंगे, बोल्ट नीचे रखेंगे, ये स्प्रिंग मैंने इस तरह रखा हुआ है, ये देख रहे दोस्तों, और इसके ऊपर मैंने ये स्टॉपर पट्टी रख देनी है, ये फिट हो गया। अब हम इसको इसके उठा के इस फेस के अंदर पर बिठा देंगे, सिर्फ बिठाएंगे, और इसका बोल्ट ये आप देख सकते हैं कि ये जो कोन बनी हुई है ये गियर स्टॉपर पट्टी के अंदर जाके बैठेगी ताकि गियर स्टॉपर पट्टी जो मूवमेंट करे तो उसकी मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो, कोई मसला ना हो। तो ये हम इसका बोल्ट ऐड कर देंगे, अच्छा अब यहाँ पर गियर स्टॉपर पट्टी बैलेंस मांग रही है कि मुझे बैलेंस करके फिट करें, और तारा पट्टी को हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे और इसको इसके अंदर फेस के अंदर बिठाएंगे और ऊपर फिंगर की टेक देंगे ताकि ये अपने फेस पे ही बैठी रहे, और इस बोल्ट को हमने मुकम्मल टाइट कर लेना है, ये भी टाइट हो गया और इसको भी हम मुकम्मल बोल्ट को टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आप सब दोस्तों को बताऊँ कि गियर शिफ्ट कैसे होते हैं, थोड़ा इसको मूव करेंगे, ये पहला ये जब मूवमेंट होती है शाफ्ट की मूवमेंट होती है तो उस टाइम ये सही तरीके से गियर शिफ्ट करती है, ये गियर शिफ्ट स्टॉपर
गियर शाफ्ट कर रही है और स्टॉपर इसको टेक देगी गियर कि तारा पट्टी राइट लेफ्ट मूव ना हो, ये अनबैलेंस ना हो। जब ये अनबैलेंस होगी तो गियर खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। तो गियर स्टॉपर पट्टी का बेसिक मकसद ये होता है। ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग लगाया गया है, जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो ये पीछे हो जाती है, स्प्रिंग इसको टेक दे के रिटर्न वापस करती है जब हम गियर इसकी शिफ्ट करते हैं। अब बात रही है किक शाफ्ट की टाइमिंग की, किक शाफ्ट की टाइमिंग की। तो किक शाफ्ट की टाइमिंग दोस्तों कैसे की जाती है, थोड़ा सा इसको पकड़ के हम राइट साइड पे इसको मूव करेंगे, मूव करने के बाद किक्स बंडल रखेंगे। तो किक्स बंडल कैसे फिट किया जाता है, तो यहाँ पे किक्स बंडल के ऊपर बेसिक एक डॉट का निशान होता है और किक शाफ्ट के ऊपर भी एक डॉट का निशान होता है। तो वो देखते हैं डॉट के निशान बराबर होता है या थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाता है, तो उसका कोई इशू कोई भी नहीं है। बिल्कुल ही एहतियात से आराम से इसको फेस पर बिठाएंगे। ये जब फेस पर बैठ जाए तो थंब की मदद से हमने स्प्रिंग को इसके फेस के ऊपर बिठा देना है और उठानी है किक। किक उठा के अब हम इसकी टाइमिंग चेक करते हैं कि इसकी टाइमिंग कहाँ पे जा रही है। देखो दोस्तों जब मैं ये शाफ्ट को मूव करूँगा तो ये आवाज़ नहीं करेगी, और आवाज़ कहाँ पे करती है वहीं पे हमने इसकी टाइमिंग फिट करनी है। तो ये बहुत आगे काम कर रही है, इसका मतलब है कि जो कब हम किक लगाएंगे तो किक नीचे जाके स्ट्रोक बराबर करेगी, मीन्स कि इंजन को मूवमेंट करेगी। तो एक मरतबा हम इसको फिर दोबारा निकालेंगे, आप सिर्फ दोस्तों को दिखाने समझाने के लिए कि इसकी टाइमिंग अगर आगे पीछे हो जाए तो उसके साथ क्या होता है। ये स्मडल निकाल लेंगे, फिर मूव करेंगे, मूव करके हल्का सा मूव करेंगे, इसको ज़्यादा मूव नहीं करेंगे ताकि नहीं तो किक नीचे जाके काम करेगी। किक स्मडल को हम फिट करेंगे, थाम की मदद से स्प्रिंग को फिट करके किक एक मरतबा लगा के चेक करते हैं कि ये किक कहाँ पे जाके काम कर रही है। इस मूव करेंगे, अब दोस्तों ये आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसकी मतलब ये है कि जो डॉट के निशान हैं वो भी बिल्कुल ही बराबर आ गए हैं। मैं कहूँगा भाई को कि कैमरा नज़दीक करके डॉट के निशान दिखा दें कि डॉट जो है वो बिल्कुल ही बराबर है। अब ये डॉट किक शाफ्ट के ऊपर है एक डॉट, दूसरा डॉट और जो स्पंडल के ऊपर डॉट है ये आपस में बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब है कि जो किक की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ही बराबर है, और टाइमिंग करने का तरीकाकार वो बेसिक जो मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना था मकसद वही था, और डॉट के निशान आपस में बराबर करने हैं और टाइमिंग बराबर करनी है। इसका मतलब है कि हमारी किक की जो टाइमिंग है बिल्कुल सही है, ना नीचे काम करेगी ना ही ऊपर काम करेगी। तो इसका मतलब है कि किक की टाइमिंग बिल्कुल ओके होगी। अब हम इसकी लॉक लगा देंगे, लॉक लगाने से पहले सब प्लास के साथ इसको थोड़ा सा हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद लॉक को फिट करेंगे, फिट करने के बाद लॉक प्लास की मदद से लॉक को अपने फेस में बिठा देंगे। जब ये फेस में बैठ जाए तो दोस्तों लॉक प्लास की मदद से थोड़ा सा हम राइट लेफ्ट मूव करेंगे कि इजी मूव हो रही है, तो इसका मतलब है कि अपने फेस पे लॉक बैठ गई है। तो यही आज का टॉपिक था जो दोस्तों के साथ शेयर करना था, गियर असेंबली फिटिंग एंड किक शाफ्ट की टाइमिंग। तो वो टाइमिंग और गियर शाफ्ट की असेंबल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। तो मैं सब दोस्तों के साथ यही गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पे ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट के नाम का पेज है उसको भी फॉलो करें, और दोस्तों के साथ जितनी भी ज़्यादा शेयर करें ताकि एक शेयर भी अगर किसी के काम आ गया तो दोस्तों आपको भी अजर मिलेगा, मुझे भी अजर मिलेगा। अपने दोस्त मोहम्मद अरशद को दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।